हेलो एवरीवन, मास्टर डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोस्तों, अभी तक अपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर दो लेसन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक दो लेसन नहीं देखे हैं तो फर्स्टली गो थ्रू दीज लेक्चर्स। पहले उन दोनों लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वहां पर अपन ने सबसे पहले वाले लेसन के अंदर फॉर्मुलेस को डिस्कस किया था, जो हमारे पास सारे सॉलिड फिगर्स के फॉर्मुले थे, उनको बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया। देन इन द सेकंड लेसन अपन ने कुछ इंप्लीमेंटेशंस को उसके अंदर देखा था, किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं मिक्स्ड सॉलिड स्फीयर्स या मिक्स्ड सॉलिड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेट में, जहां पर अपन ने किसी के अंदर कोन के अंदर हेमिस्फीयर ऐड कर दिया था, कोन सिलेंडर के साथ यूज कर लिया था, स्फीयर्स की क्वांटिटी को अपन ने कोन की क्वांटिटी या अलग अलग चीजों को अपन ने यूज करके कुछ इंप्लीमेंटेशंस क्वेश्चंस के अंदर देखे थे। आज जो आज के टॉपिक है उसके अंदर अपन देखेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में। जैसे अपन ने किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज अगर प्रिपेयर कर दी, तो बताओ इसके मेल्टिंग के अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी की चीजें हमारी बन सकती है। जैसे हमारे पास कॉइन्स हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है जिसको अगर अपन पिघलाएं, और पिघलाने के बाद हमारे पास अगर इतने डायमीटर या इतने रेडियस का या इतनी हाइट का ये वाली क्वांटिटी कितनी बन सकती है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा और उसको कैरी करने की कोशिश करेगा। कोई भी डाउट आता है आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। ऑन द बिहाफ ऑफ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में अपन कैसे काम करेंगे ध्यान से देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, मुझे देखो यहां पर क्या बताना है, कॉइन से रिलेटेड चीजें बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर कॉइन 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर का क्या है डायमीटर है। एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 0.2 सेंटीमीटर थिक, हमारा मतलब इतना मोटा हमारे पास क्या है सिक्का है, कितना 0.2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसकी थिकनेस दे दी है तो ये अपने पास एक तरीके से किसकी फॉर्मेट आ जाएगी, एक सिलेंडर की फॉर्मेट में चीज हमारे पास तैयार हो जाएगी। सिलेंडर के अंदर भी कॉइन हमारा ऐसा ही होता है लाइक दिस, कॉइन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर उसने हाइट अपने पास ऐसे दे दी 0.2 और इसका डायमीटर, सॉरी इसने क्या दे रखा था डायमीटर, डायमीटर कितना दे दिया उसने 1.5, तो डायमीटर उसने टोटल कितनी दे दी मुझे 1.5 सेंटीमीटर। Now, it is melted. अब मैंने इसको क्या किया मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फॉर्म मेल्ट करके क्या बना दिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर अपन ने क्या कर लिया ड्रॉ कर लिया। ऑफ हाइट, जिसकी हाइट है कितनी 10 सेंटीमीटर, इसकी अपने पास क्या दे रखी है हाइट अपने पास गिवन है। एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर भी मेरे पास गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी कितनी क्वांटिटीज होंगी। दिस टाइप ऑफ, दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को कह रहा था नंबर ऑफ क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में। ये हमारे पास है कॉइन, इसको मेल्ट करके मैंने सिलेंडर बता दी, तो बताओ कितनी इसकी क्वांटिटी हमारे पास रह जाएगी। तो लेट इसकी लेट नंबर ऑफ कॉइन्स अपन ने मान लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स अपन ने कितने मान लिए एन, हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है यानी एन इंटू किसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका वॉल्यूम V1 मान लिया और इसका वॉल्यूम कितना मान लिया अपन ने V2, तो N इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास V2, क्योंकि अपन ने ये चीज इसके अंदर क्या कर ली है ड्रॉ कर ली है। अब अपन इसी चीज को ध्यान से देखेंगे और काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। N ये किसकी फॉर्मेट में था, हमारे पास सिलेंडर की फॉर्मेट बन गई थी, तो फॉर्मूला वही लगेगा पाई R1 स्क्वायर और ये कितना H1, इसको R1 बोल देंगे, यहां से जो निकलेगा उसका रेडियस कितना R1 कह देंगे और हाइट कितनी कह देंगे इसकी H1 कह देंगे। सिमिलरली इसका रेडियस R2 कह देंगे और हाइट क्या कह देंगे H2 कह देंगे, पाई R2 स्क्वायर और ये कितना H2, दोनों एक ही फॉर्मेट में चीज बन रही है यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए इस पाई से ये पाई तो कैंसिल आउट, R2 स्क्वायर इंटू H2 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा H1। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा R2 स्क्वायर, R2 मतलब इसका रेडियस, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे R2 डायमीटर का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो 2.25 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, तो 2.25 इंटू 2.25 कर दिया क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट कितनी है इसकी 10 इसकी हाइट है अपॉन R1 स्क्वायर, R1 ये भी हमारे पास R1, अगर मैं इसका निकालना चाहूंगा तो R1 कैसे निकलेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.75, 2.7 14 एंड 2.5 10, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75
और इसकी हाइट मतलब इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 0.2 हमारे पास गिवन है, गॉट इट। अब 0.75 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है कितना, 3 टाइम्स। 0.2 को इससे कट कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, क्योंकि ये डेसिमल ऊपर 100 करके शिफ्ट हो जाएगा और 2 5s are 10 और 1 0, यानी हमारे पास बच गया 3 × 3 × कितना 50, 5 3s are 15 या 3 3s are 9, 9 5s are कितना 45, 450। तो कितने कॉइन्स हमारे पास जरूरत पड़ेंगे, हमें 450 कॉइन्स की नीड होगी, जो मेल्ट करने पर क्या बना देगा, सिलेंडर बना देगा, सिलेंडर जिसका डायमीटर 4.5 होगा और हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। समझ गए, जैसे अपन कोई भी क्वांटिटी बनाते हैं, घर में भी अपन कोई काम कर रहे हैं, अगर अपन को कोई चाय भी अगर प्रिपेयर करनी तो अपन कितने कप अपन उसके अंदर वो क्वांटिटी लेंगे जिससे इतने कप हमारे पास चीजें तैयार हो जाएंगी, उसी पैटर्न पे अपन ने ये वाली चीजें यहां पर तैयार करी। ध्यान से देखिएगा किस पैटर्न पे चीज चल रही है। नाउ द नेक्स्ट वन, सिमिलर पैटर्न, वही नंबर ऑफ क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में अपने पास नया क्वेश्चन आया है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, कितनी हमारी स्फेरिकल बुलेट्स होंगी, बुलेट्स किसकी फॉर्मेट में, हमारी स्फीयर की फॉर्मेट में है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब, इससे अपन कितनी क्या बना लें, एक सॉलिड क्यूब तैयार कर लें, क्यूब अपने को क्या करना है इसमें तैयार करना है, क्यूब ऑफ लीड, लीड की फॉर्मेट में, किसकी फॉर्मेट में, ये लेड की फॉर्मेट में, ये स्फेरिकल बुलेट्स की फॉर्मेट में हमारे पास है। बुलेट्स किसकी फॉर्मेट में, हमारी स्फेरिकल फॉर्मेट में है। नाउ हूज एज मेजर्स, जिसमें इसकी साइड अपने पास दे रखी है कितनी 44 सेंटीमीटर, 44 और ये भी कितना 44 दे रखा है। ईच बुलेट बींग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर दे रखी है। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के कितनी हमारी बुलेट्स होंगी जिसकी जिससे अपन क्या बना ले, एक क्यूब बना ले। तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ क्वांटिटीज मुझे इसकी बतानी है, तो एन मल्टीप्लाई बाय कितने हमारे पास बुलेट होंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ इसका जो बुलेट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट, स्फेरिकल बुलेट का क्या वॉल्यूम है, इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारा बन रहा है उसके, यानी एन मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट कितनी, वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का 4/3 πr³ हमारे पास ये होता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब, एज क्यूब, ए क्यूब, कुछ भी हो सकता है, यानी एन इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा इसको मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं और अपन साइड क्यूब, साइड कितने हमारे पास 44 है, तो 44 × 44 × 44 क्योंकि तीन बार करना है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर चला गया अपॉन 4 को नीचे भेज देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, आर कितना डायमीटर का आधा, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 × कितना कर दिया 2, इजी गोइंग है, कुछ नहीं करना, जिसकी क्वांटिटी के बारे में पता करना है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, लेट एन बी द नंबर ऑफ क्या कहलाएंगे हमारे पास, बुलेट्स कहलाएंगे, तो एन हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ बुलेट्स, कट रहा है कैंसिल कर दो, 22 2s are 44 तो 144 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, कॉट इट। फिर 2 2s are 4 4 11 times ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 4 11 times ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 11 11 जा 121 × 3 × ये 7 रिवर्स होकर के ऊपर चल जाएगा, यानी बचा 121 × 7 3 जा कितना 21 कितना आ जाएगा 2541 2541, दैट इज द आंसर दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट, इतनी मुझे स्फेरिकल बुलेट्स की नीड होगी जिसके थ्रू अपन ये पता कर पाएंगे कि क्या हमारे पास कितने क्यूब हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। बिल्कुल इजी वे, मैंने पैटर्न बता रहा हूं आपको, ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और उसके रेस्पेक्ट में काम कर लीजिएगा, इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज कर दी है अपन लोगों ने, अभी तक अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इसको मेल्ट किया ये बन गया, बताओ इसकी क्वांटिटी कितनी थी जिससे मेल्ट करके ये बना, अब अपन ने थोड़ा सा क्वांटिटी को अपग्रेड कर दिया है, ध्यान से उस क्वांटिटी का अपग्रेडेशन को देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन है। अब गुलाब जामुन कंटेंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट, सब चीजें इसमें गिवन होती है, सिर्फ अपने को फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू प्लेस करनी है। अब गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन सब लोग खाते हो, उसके अंदर एक शुगर कंटेंट होता है तभी वो मीठा लगता है, तो
कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जिसके अंदर कितना है 30% है कितना उसका वॉल्यूम। गुलाब जामुन के अंदर एक शुगर सिरप है जिसके अंदर अबाउट 30% उसका क्या है वॉल्यूम, यानी 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना 30% गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप का। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप, मुझे बताना है हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितनी सिरप मुझे जरूरत होगी, ये क्वांटिटी मुझे निकालनी है इन 45 गुलाब जामुन। अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी में कितनी है 45 गुलाब जामुन है तो ई शेप लाइक अ सिलेंडर, यानी ये वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्म में मेरे गुलाब जामुन है इनकी क्वांटिटी मेरे पास कितनी है 45 गुलाब जामुन है, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा अपन को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। अब जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसके बारे में उसने बोला है, ध्यान से देखिएगा क्या, वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, क्वांटिटी 45 से 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, ई शेप लाइक अ सिलेंडर, हर चीज किसकी तरह दिखाई दे रही है एक सिलेंडर की फॉर्मेट में, विद इस सिलेंडर के अंदर क्या कह रहा हूं मैं, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास दो हेमिस्फीयर है एंड विद द लेंथ इतना और इतना, दो हेमिस्फेरिकल लेंथ है, यानी 30/100 तो हमारे पास थाई थ्री मल्टीप्लाई बाय 45 हमारे पास टोटल गुलाब जामुन है। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कैसे निकलेगा, किसका गुलाब जामुन के रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस इसके अंदर उसने एक चीज और बोली है, क्या चीज है वो, दो हेमिस्फेरिकल एंड है टू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसके अंदर हमारे पास क्या है दो हेमिस्फेयर भी है, तो अपन ने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर उसने बोला है लाइक अ सिलेंडर विद, विद मतलब इसके साथ दो हेमिस्फेरिकल एंड भी है। एक रफ स्केच आप लोगों के सामने बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है गुलाब जामुन का पूरा शेप है जिसके अंदर दो हेमिस्फेरिकल एंड भी है हमारे पास, ये दो हेमिस्फेरिकल एंड है मतलब ये हमारे पास यहां पर ये दे रखा है, ये 2.8 सेंटीमीटर हमारी पूरी क्वांटिटी यहां पर इसने दे दी, यानी ये रेडियस कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियस। अब ये जो टोटल लेंथ यहां पर आ रही थी वो टोटल लेंथ कितनी आ रही थी हमारी 5 आ रही थी, पूरा मिलाकर के 5 आ रहा था। अब मुझे सिर्फ अगर अंदर वाले की हाइट चाहिए क्योंकि सिलेंडर में तो यही हाइट चाहिए होती है ये वाला हिस्सा, तो 5 माइनस का 1.4 प्लस का 1.4 यानी 2.8, यानी टोटल 2.8 को अपन 5 में से माइनस कर देंगे, 5 माइनस का कितना 2.8 सबको आता होगा, 10 माइनस का 8 इज कितना 2, 4 माइनस का 2 इज 2, 2.2 हमारे पास क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगी किसकी, इस यहां से यहां तक के सिलेंडर की हाइट आ गई। तो ये हमारे पास क्वांटिटी, एक बार इसको 2 मिनट के लिए देखिएगा क्या दिक्कत तो नहीं आ रही, चीज क्लियर हो रही है, यानी अब मुझे क्वांटिटी किसकी निकालनी है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द शुगर सिरप, शुगर सिरप की मुझे क्या बतानी है क्वांटिटी बतानी है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या बताना है शुगर सिरप बताना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम किसकी निकाल रहे हैं शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व कैलकुलेट कर लेंगे, वी गेट द रिजल्ट 30/100, 10 से 10 अगर कट कर दूंगा तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय कितना 45 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर और ये कितना क्यू, 5 9 = 45, 5 2 = 10, 9 3 = 27 / कितना 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर किसका सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कितना होगा वही सेम हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 और सिलेंडर की हाइट कितनी 2.82 अपन यहां कर देंगे प्लस 2 2 = 4/3 पाई की वैल्यू अगेन 22/7 मल्टीप्लाई बाय हेमिस्फीयर का भी रेडियस वो का वही होगा कितना 1.4 का होल क्यूब। एक सेकंड दे रहा हूं ध्यान से इसको देखिए क्या ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, गॉट इट, चीज आगे से समझ में। अगर आप लोगों को फिर भी अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो एक बार देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप बताना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों लिखा है क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी है किसकी गुलाब जामुन की वो सिलेंडर फॉर्मेट में, चाहो तो इसकी जगह सिलेंडर की जगह आप 1 गुलाब जामुन भी कर सकते हो, 1 गुलाब
जामुन, क्योंकि आपके पास अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके वॉल्यूम सिलेंडर यहाँ भी आ रहा है, वॉल्यूम सिलेंडर यहाँ भी आ रहा है, ये एक गुलाब जामुन का भी हो सकता है। चाहो तो यहीं पर डायरेक्ट कर लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह कितना, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है, और यहाँ 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल हो गया वॉल्यूम ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे 45 से, तो ये वॉल्यूम आ गया टोटल किसका, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम अपन ने यहां पर बता दिया है। बस अब इसको नॉर्मल वही वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर था, फिर अपन ने फॉर्मूला रख दिया, वैल्यू प्लेस कर दी रेडियस वगैरह की सबकी। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, हमारा काम हो जाएगा 27 बाय कितना 2, 7 टू जा 14, 0 पॉइंट कितना 2 हमारे पास आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 यानी 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 प्लस, यहां कुछ कट रहा है क्या, नहीं, 7 3 जा 14 काट सकते हैं, पर 4 टू जा 88 अपॉन 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 1.4 का होल क्यूब। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका, शुगर सिरप का। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, हमारे पास ये 27 बाय 2 और ये पूरी क्वांटिटी को अपन सॉल्व कर लेंगे 338.18 इतना वॉल्यूम किसका मिलेगा मुझे, शुगर सिरप का वॉल्यूम है, इसलिए यूनिट कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करना है सबको बहुत आसान है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यहां से इसको क्यूब करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, फिर जो क्वांटिटी आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप कंटेन इन द गुलाब जामुन। गॉट इट, चीज आ गई, बहुत ईजी था, सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल देखिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है, अपन अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक प्रोफाइल का अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न पे अपन कंटिन्यू काम करते रहेंगे, अलग अलग पैटर्न पे आएंगे ताकि अलग अलग क्वेश्चंस को यूज कर सके। ध्यान से देखिएगा, अ पैन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड, एक पैन स्टैंड है जो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, वो किसकी शेप में है, क्यूबॉइड, जैसे ये लकड़ी का पैन स्टैंड है किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है, विथ फोर कॉनिकल डिप्रेशन, इसके अंदर चार कॉनिकल क्या है, डिप्रेशन से मतलब गड्ढे किए गए हैं ताकि वो पैन को क्या कर सके, होल्ड कर सके, पिन के अकॉर्डिंग पैन वहां पर होल्ड हो जाए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 × 10 × कितना 3.5 दे रखा है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज, रेडियस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है कितनी 1.4 सेंटीमीटर, यानी एक हमारे पास वही कोन की फॉर्मेट में है, अगर अपन कोन बोले तो कोन का हमारे पास सब कुछ दे रखा है, ये हाइट अपने पास कोन की गिवन है और ये रेडियस गिवन है, हाइट कितनी है इस कोन की 1.4 सेंटीमीटर ये हाइट है हमारे पास, और इसका जो रेडियस है वो क्वांटिटी में कितना गिवन है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस यहां पर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वुड का वॉल्यूम बताना है। अब देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड को बताना कितना ईजी है, वुड में क्या क्या बचा है, सबसे पहले बात वुड किसकी फॉर्मेट में था, किसकी फॉर्मेट में था, क्यूबॉइड की फॉर्मेट में था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास पूरा आ ही रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास है ही सही। अब इसमें से मैंने इसके अंदर छेद कर दिए, फोर होल्स कर दिए ताकि अपन वहां पर पैन को होल्ड करके, ताकि, और वो पैन किसकी फॉर्मेट में है, कोन की फॉर्मेट में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ क्या कर दिया अपन ने, कोन कर दिया। समझ गया बात आप लोग, क्या सबसे पहले मुझे बताना था कि बताओ वुड का वॉल्यूम कितना होगा, तो कितना बचा, सबसे पहले तो पूरा क्यूबॉइड की फॉर्मेट में वो था, उसमें से मैंने स्लॉट्स कर दिए चार, अगर मैंने स्लॉट कर दिए तो वो चार स्लॉट अपन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये कितना होता है एच, लेंथ कितनी है हमारे पास देखिएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना 3.5 माइनस का 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास 1.4 तो अपन ने हाइट कितनी कर दी 1.4 कर दिया। इसको पूरे को 15 150
150 यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 35 रह जाएगा क्योंकि 10 से कैंसिल माइनस, इनमें से कुछ कट रहा है क्या, 7 2 14 0.2 टाइम्स ऑफ ये हमारे पास कट रहा है और कुछ नहीं, 488 बाय कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 यानी कितना आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 2/10 कर दूं, 25 2 कितना 50 बाय ये हमारे पास 30 कैंसिल है यानी 0.00 और ये कितना आ जाएगा 5, समझ गए ना, 0.5 × 0.5 किया तो कितना आ गया 0.25 को 2 से किया डेसिमल शिफ्ट कर दिया 25/100 2/10 25 2 कितना होता है 50 by 1000 एक जीरो से कैंसिल कर दिया, 2 0 से अपन ने पास ऊपर चला गया, वही चीज अपन ने यहाँ पर मेंशन करी है, 15 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो 50 हमारे पास कितना आ जाएगा 525 हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं 88/3 × 5/ वही सेम अपन ने 100 कर दिया, हमारे पास 5/100 आ गया। इसके बाद याद है ना सबको, यहां से 5/10 किया था, यहां से 5/10 किया था, यहां से 2/10 उसी हिसाब से हमारा ये आया था, कैंसिल कर दो 5 2 10 0 4 2 8 4 5 कितना 20 यानी ये आ गया हमारा 525 माइनस 22 हमारा ऊपर बचा है और 5 3 15 हमारे पास नीचे बचा है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे 525 माइनस 22 अपॉन ये तो 523.52 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वुड। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिए इतना, बस ये चीज मेन समझ में आनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालते हैं, पूरे क्यूबॉइड में से वो चार होल्स को क्या कर दो सेपरेट कर दो, आप लोगों का क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा जिसको आप लोग यहां पर यूज करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोफाइल मे बी पॉसिबल कि अपन आगे और अगली प्रोफाइल्स को देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर डीप वेल है, वेल मतलब क्या होता है कुआ, एक 20 मीटर डीप वेल एक कुआ है जो ऑब्वियसली बात है देखिएगा किसके फॉर्मेट में होता है सिलेंडर की में, 20 मीटर ये हमारे पास क्या है गहरा यानी हाइट कितनी हो गई इसकी 20 मीटर विद डायमीटर 7 मीटर जिसका डायमीटर कितना है हमारा टोटल 7 मीटर इसका डायमीटर अपने पास क्या है गिवन है एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड और जो भी अर्थ इसको खोदने में इसको खोदापन है तो ऑब्वियसली बात है मिट्टी निकलेगी तो जो भी अर्थ हमारी उसको इवनली स्प्रेड आउट फैला दिया टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म जिससे हमारे पास क्या बन गया एक प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली बात है प्लेटफॉर्म किसकी फॉर्मेट में बनेगा लाइक दिस क्यूबॉइड की फॉर्मेट में बनेगा इसमें से जो भी मिट्टी निकली उसको स्प्रेड कर दिया और क्या बना दिया प्लेटफॉर्म 22 मल्टीप्लाई बाय जिसके अंदर 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर हमारे पास ये है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म मुझे प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है हाइट बतानी है लेट द हाइट अपन ने इसकी क्या मान ली h1 मान लिया और वैसे बात है जितना वॉल्यूम इसका मिट्टी जितनी इसकी निकलेगी उतनी इसकी निकलेगी यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा इक्वल ये किसकी फॉर्मेट में है सिलेंडर की तो पाई आर स्क्वायर एच यहां कर देंगे ये किसमें है क्यूबॉइड की फॉर्मेट तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपन इसके अंदर यहां कर देंगे मुझे इस h1 की नीड है यहां पर तो h1 की जगह निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में कितना लेंथ इंटू ब्रेथ पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस रेडियस कितना है हाई टोटल डायमीटर है 7 तो रेडियस कितना हो गया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 अपन यहां पर प्लेस कर देंगे और हाइट कितनी है इसकी हमारे पास 20 मीटर इसकी हाइट है अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ तो 22 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया जाएगा 14 अपन यहां पर कर देंगे गॉट इट। अब 1 7 से तो 1 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया 7 2 14 हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया 22 से ये 22 हमारा यहां कैंसिल आउट हो गया बचा क्या 2 से 10 टाइम्स ये 2 से 5 टाइम्स ये तो कितना हो गया 5/2 दैट इज 2.5 मीटर इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी जो भी मिट्टी यहां से निकाल करके इसमें क्या बनाया गया एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। दीज आर द वेज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ये हमारे पास वो तरीके थे जिनसे अपन ने कुछ क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया अलग अलग प्रोफाइल्स की फॉर्मेट में। लेसन नंबर 3 हमारे पास था लेसन नंबर 4 के अंदर अपन वही चीज डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट कहलाएगा 4 किसके अंदर जहां पर अलग अलग बहुत डिफरेंट
एप्लीकेशंस होंगी जहां पर अपन को उन प्रोफाइल्स को यूज करके आगे की चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक लेसन और अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे बाय दिस प्रोफाइल, उसके बाद अपन अगले वाले लेसन की तरफ आएंगे जो कि हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। बट इन द नेक्स्ट लेसन वी हैव टू जस्ट कंक्लूड अवर क्वेश्चन प्रोफाइल्स बाय डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द एनटीएससी एग्जामिनेशन एंड द ओलंपियाड्स वगैरह, जहां पर अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेसन आने का पूरा इंडिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।